नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे स्क्रू थ्रेड और उसके टाइप्स। जो स्क्रू थ्रेड के टाइप्स हैं उस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग भी स्क्रू थ्रेड्स के टाइप्स के बारे में आज जान लीजिए। और जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो एग्जाम्पल लिया है उसके बारे में सब लोग जानते हैं। ये यहां पर बोल्ट बना हुआ है, यहां पर क्या बना हुआ है, नट बना हुआ है, और इसके अंदर जो खांचे टाइप के कटे हुए हैं इसके बारे में भी आप सब लोग जानते हैं, जिन्हें नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, चूड़ियां बोलते हैं। और इस पर ऊपर कटा हुआ है, जो खांचे कटे हैं इनके बारे में भी जानते हैं, चूड़ियां बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम थ्रेड बोलते हैं। लेकिन ऐसा बोल दिया जाए आप लोगों को कि इसको डिफाइन करिए, या बोल सकते हैं कि थ्रेड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है उनके बारे में लिखिए, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो यहां पर मैं डिफाइन करके समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। जो थ्रेड्स हैं वह जिस पर बनाई जाती हैं उसके आधार पर इसको डिफाइन किया गया। यहां पर आपको जो ये जो पूरा शेप दिख रहा होगा, अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्कुलर है। तो पूरा शेप एक इस टाइप का दिख रहा है, एकदम सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा होगा। तो सिलेंड्रिकल शेप हो या फिर कैसा हो, कॉनिकल सरफेस हो, उस पर जो हम हेलिकल ग्रुप्स कट करते हैं। कैसे हेलिकल ग्रुप? अब हेलिकल आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप स्प्रिंग को देख लीजिए। तो स्प्रिंग जिस तरह बाउंडेड रहती पूरी, वह कैसा शेप रहता है, हेलिकल शेप रहता है। इस तरह जब हम ग्रुप कट करते हैं, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इस तरह खांचे कट करते हैं इस पर किसी सिलिंड्रिकल या कॉनिकल सरफेस पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। समझ में आया? किसी सिलिंड्रिकल या कॉनिकल सरफेस पर जब हम हेलिकल ग्रुप, या हम क्या बोल सकते हैं, जो खांचे हैं हेलिकल शेप के, हेलिकल टाइप से कट करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। ये जो स्क्रू थ्रेड है इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो पहला हम सभी लोग जानते हैं, दो पार्ट्सों को जोड़ने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड का उपयोग करते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं क्या है, दो पार्ट्सों को जोड़ने के लिए हम स्क्रू थ्रेड का उपयोग करते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट इसका यूज है, वह है पावर ट्रांसमिट करना। तो पावर और मोशन ट्रांसमिट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जैक, जब जैक अगर नहीं याद आ रहा हो तो गाड़ी का भी पंचर हो जाती है, तो उस पर जो टायर उठाते हैं हम लोग, तो जैक लगाते हैं। जब आप जैक लगाते हैं तो उसको टाइट करते हैं या ढीला करते हैं, तो जो आपने ऊपर जो निकलता है जिससे गाड़ी उठती है, वहां पर आपने इस तरह थ्रेड बनी हुई देखी होगी। तो थ्रेड का उपयोग क्या हुआ, पावर को ट्रांसमिट करने में। इसी तरह जब आप लेथ मशीन देखी होगी, उस पर भी जो हमारा लीड स्क्रू होता है, देखा, लीड स्क्रू, उसका उपयोग भी हम लोग, या उसमें भी हम लोग क्या देखे होंगे, थ्रेड्स देखे होंगे या स्क्रू थ्रेड देखे होंगे। तो ये क्या होता है, मोशन या पावर ट्रांसमिट करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। उम्मीद है नॉर्मल हमने कुछ डेफिनेशन भी यहां पर लिख दी है, तो उसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल सब कुछ लिख दिया है और यूज भी मैंने मुंह से बता दिए हैं, तो आप उसको भी लिखकर आ सकते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो टाइप्स हैं उनको भी इनके शेप, एंगल और पिच के आधार पर डिफाइन किया गया, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जैसे कि इनका जो एंगल होता है दो थ्रेड्स के बीच में जो बने रहते हैं, टीथ बने रहते हैं उनके बीच में, इनका जो साइज रहता है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है उसके आधार पर इसको क्या किया गया, इसके टाइप्स बनाए गए, या बोल सकते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, इनको डिवाइड किया गया डिफरेंट भागों में। जो डिफरेंट भागों में डिवाइड किया गया उसमें जो अलग अलग तरह से अलग अलग बुकों में इसको दिया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह मैं सिर्फ यहां पर समझा रहा हूं। जैसे वी शेप्ड थ्रेड, इसको मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूं सही से। तो ये है पहला वी शेप्ड थ्रेड, जैसा नाम लिखा आप वैसे ही समझ जाए कि जो थ्रेड होगी उसका जो शेप कैसा दिख रहा होगा, वी टाइप से। पहला वर्ड आपको समझ में आ गया कि इनका जो शेप कैसा रहता, जैसा वी लेटर होता है जो एबीसीडी में हम लोग पढ़ते हैं उसी टाइप का रहता है।
दूसरा इनका उपयोग नॉर्मली बहुत ज्यादा किया जाता है, जो हम लोग यूज करते हैं। अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसकी इसको बनाया जाता है, वो नॉर्मल हमारी मशीन है, चाहे वो मिलिंग मशीन हो, लेथ मशीन हो, इस तरह की डाई या टैप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निर्माण करते हैं या बनाते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, जैसे हम स्टैंडर्ड क्या होते हैं मैं समझा चुका हूँ मेट्रोलॉजी के अंदर, कि इसका जो एक कोई स्टैंडर्ड साइज, उसके आधार पर क्या होते हैं इसका निर्माण किया जाता है। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, तो डिफरेंट टाइप्स के इसके स्टैंडर्ड होते हैं थ्रेड्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो इसकी बनावट है, इसमें जो दो टीथ रहते हैं उनके बीच का जो एंगल है वह कितना रहता है, 60 डिग्री रहता है। ये लिखा ना, इट हैज फ्लैंक एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैंक एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये जो इसका ये वाली जो दिख रही है सरफेस, इसको फ्लैंक बोलते हैं, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्लैंक बोलेंगे। ये सरफेस को हम फ्लैंक बोलते हैं, तो दोनों जो फ्लैंक हैं दो टीथ के बीच में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक एंगल बोलते हैं। कितना रहता है, 60 डिग्री रहता है। ये यहाँ से सेंटर, इस सेंटर की जो दूरी क्या रहती है, पिच बोलते हैं। इस हिसाब से यदि पिच हमें पता है, तो इसकी हाइट को हम स्टैंडर्ड हाइट को निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइट इसकी रहती है 0.87 पी, 0.87, और पी जो भी इसकी पिच निकलेगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो डेप्थ है वह कितनी देना है ये हमारा हम निकाल सकते हैं। तो ये डिजाइन के स्टैंडर्ड से रहता है, इसकी क्या है, डेप्थ को निकालना। इस तरह मैंने कुछ यहाँ लिख रखा है, उसके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या, फास्टनर्स और बोल्ट्स में इसका यूज किया जाता है। तो पहला जो वी शेप थ्रेड है, इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट है ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिथवर्थ थ्रेड। बिथवर्थ थ्रेड के नाम से मैक्सिमम आपने सुना होगा। ये जिन्होंने इसकी खोज की थी उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया था। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, जो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये होता है जो बीच का जो एरिया होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, रूट बोलते हैं। जी इसका टॉप जो एरिया होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और बीच का होता है एरिया। तो जो हमने अभी बीच शेप के थ्रेड्स पड़े हुए थे उसमें बीच बीच टाइप का शेप था, लेकिन उसी तरह ए भी रहते हैं। डिफरेंस इसमें बना दिया जाता है कि जो यहाँ इसका रूट है ये कैसा कर दिया, राउंड कर दिया, दिख रहा है, गोलाकार कर दिया। ऐसे इसकी क्रेस्ट है, इसको भी कैसा कर दिया, राउंड कर दिया, फिर गोलाकार कर दिया। इसके बीच के एंगल जो हमारे फ्लैंक रहते हैं उनके बीच का एंगल भी, उसमें 60 था तो इसमें कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। इसके अलावा जो क्रेस्ट की रेडियस है स्टैंडर्ड निकालना, क्योंकि राउंड है तो 0.14 पी रहती है। पी क्या है यहाँ पर, पिच है। पिच कैसे निकालते हैं, यहाँ पर दिया गया स्टैंडर्ड साइज। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी डेप्थ रहती है, डेप्थ कैसे रखना है, ये डिजाइन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, 0.64 इंटू पी। पी जो भी पिच होगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर 0.64 में, तो इसकी क्या निकल आएगी, पिच निकल गई। एक्चुअल में कुछ इस तरह की यहाँ पर दिख रही होंगी थ्रेड्स, ये इस टाइप की दिखती हैं, लेकिन एग्जाम में हमें ये वाला डायग्राम बनाना है। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि किस तरह की दिखती है। तो ये फास्टनर्स और बोल्ट में भी इनका यूज किया जाता है, जैसे कि बोल्ट यहाँ पर रखा दिख रहा है, लेकिन वी की तुलना में, वी शेप थ्रेड थे उसकी तुलना में हाई स्ट्रेंथ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए, उसकी तुलना में हाई स्ट्रेंथ के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो हमारे बोल्ट्स रहते और फास्टनर्स रहते। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप समझ चुके होंगे कैसे लिखना है, ये मैंने स्क्रीन पर लिख दिया और डायग्राम भी बना दिया। नेक्स्ट है स्क्वायर थ्रेड। यहां पर भी जैसा इसका नाम है उसी के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया, जैसे कि इसके जो यहाँ पर टीथ बने हुए हैं कैसे शेप में बने, स्क्वायर शेप में, है ना। स्क्वायर शेप आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि जिसका ऊपर का क्रेस्ट है 0.5 पी आपको दिख रहा होगा, और इसकी डेप्थ ए भी कितनी है, 0.5 पी है, और ए भी कितना होगा, 0.5 पी है। तो पूरा जो इसका शेप है वो कैसा हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका उपयोग हाई स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है, जैसे प्रेस मशीन आपने देखी होगी, जहां पावर को ट्रांसमिट करना है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो हैवी लोड को लिफ्ट करना, उठाना ऊपर की ओर, वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। बेंच वाइस में जो स्पिंडल वगैरह रहते हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होते हैं हाई स्ट्रेंथ के लिए यूज होने वाले स्क्वायर थ्रेड। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के आपको दिखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये बना हुआ शेप फ्लैट ऊपर से कैसा रहता है, इसका जो क्रेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, एकदम फ्लैट रहता है।
स्क्वायर थ्रेड के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट है एक्मे थ्रेड्स। एक्मे थ्रेड्स को जो स्क्वायर थ्रेड है उसका विकल्प के रूप में बनाया गया, थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज किया गया। इसका उपयोग भी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या लीड स्क्रू वगैरह है जहां पर हमें हैवी लोड उठाना है, इंडस्ट्रीज में भी जो हमारी कंपनियां है वहां पर भी हैवी लोड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यहां पर इसकी बनावट में क्या अंतर किया गया आप देखते हैं हम लोग। तो इसका सबसे पहले तो ऊपर का जो क्रेस्ट रहता हुआ कैसा रहता है, एकदम फ्लैट रहता है, कैसा रहता है, फ्लैट रहता है। लेकिन जो इसके जो फ्लैंक्स हैं वह क्या है, एंगल दे दिया जाता है, जबकि उसमें टोटली कैसा था, स्क्वायर था। तो और जो एंगल दे दिया जाता है दो फ्लैंक के बीच में वह कितना रहता है, 29 डिग्री रहता है, कितना रहता है, 29 डिग्री रहता है। इसके अलावा इसमें जो जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा इसका जो क्रेस्ट है या जो इसकी इसकी जो मतलब विड्थ है वह 0.5 फीट दिख रही होगी आपको, लेकिन एक छोड़कर एक अल्टरनेट में कितनी दे दी उसने, 0.37 फीट दे दी। तो एक जैसे भी रहती है जो थ्रेड्स का जो विड्थ है वह भी उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर किया जाता है पावर को अच्छी ट्रांसमिट करने के लिए। इसका डिजाइन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। ऐसा ही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना है, इसका यूज के बारे में लिखना है, इसकी बनावट के बारे में लिखना है, तो बड़े आसानी से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके अलावा और समझते हैं। नेक्स्ट है वाट्रेस थ्रेड। वाट्रेस थ्रेड को जो डिफाइन किया गया है वह इसके शेप के आधार पर, जिस तरह इसका उपयोग है और डिजाइन है उसके आधार पर इसको डिफाइन किया। जैसे कि इसका जो शेप आपको दिख रहा होगा वह कैसा बनाया जाता है, ट्रायंगल टाइप का बनाया जाता है। ट्रायंगल का बोले तो यहां पर क्या रहता है, इसका एक फ्लैंक 90 डिग्री पर रहता है, एक फ्लैंक 90 डिग्री पर रहता है, दूसरा एक एंगल पर मतलब तिरछा बनाया जाता है। एक फ्लैंक आपको ये दिख रहा होगा तिरछा, दूसरा 90 डिग्री पर एकदम खड़ा दिख रहा होगा। इस तरह इसको डिजाइन किया जाता है, जो 90 डिग्री है और जो एक तिरछा फ्लैंक रहता है इनके बीच में एंगल कितना रहता है, 45 डिग्री रहता है। और जिसकी क्रेस्ट रहती है उसको डिजाइन करने के लिए 0.16 में पी का मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो 90 डिग्री रहती है उसमें भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा टेपर एंगल दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 7 डिग्री। और जो इसकी डेप्थ रखी जाती है 0.66 पी के, पी क्या है यहाँ पर, पिच होती है। तो ये डिजाइन के आधार पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जब इसका यूज किया जाता है तो हमें वन साइड मतलब हमारा जो स्क्वायर थ्रेड है उससे भी ज्यादा इससे पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन वन साइड लीड स्क्रू वगैरह रहते हैं उनको, उनसे जो हम पावर ट्रांसमिट करते हैं तो एक साइड पावर ट्रांसमिट करना है मुझे, तो इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। इसमें बी थ्रेड की तरह इसमें भी बहुत ज्यादा जो ताकत बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, वह स्ट्रेंथ रहती है। जहां हैवी लोड मशीनें होती हैं वहां पर ऐसे ये जो थ्रेड्स हैं उनको डिजाइन किया जाता है उनके लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्रेड्स थी जिन पर कई बार शॉर्ट नोट या फिर लिखने को पूछा जाता है, तो मैंने कोशिश की डायग्राम सही तो कैसे इनको एक्सप्लेन करना है सब कुछ मैंने बता दिया है। उम्मीद है आप यदि वीडियो अच्छे से देख लिया होगा या मुझे सुन लिया होगा तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको याद हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।